अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको नए दिन और नई रेसिपी के साथ। आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च की रेसिपी। आधा किलो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली हैं, जिनको मैंने धो लिया अच्छे से और खुश्क कर लिया है। बहुत ही फ्रेश किस्म की ये शिमला मिर्च है। इनको अब हम अच्छी तरह से काट लेते हैं छोटे छोटे स्लाइसिस में। हाफ के जी मेरे पास यहाँ पर कैप्सिकम्स थी, जिनको मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है और इनको वॉश कर लिया है। अब रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्चों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। लाइट से इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। लाइट से इनका कलर चेंज होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे ऑयल में। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है इसको फ्राई करने की। इनका कलर भी लाइट सा चेंज हो गया है। इनको हम चिकन और आलू के अंदर बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी तैयार होगी। आप इसको सेम एज़ फॉलो करें मेरी इस रेसिपी को। इसी तरह से शिमला मिर्चें मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज तकरीबन मैंने आधा किलो लिया और इस तरह से फाइन कटिंग कर ली है इनकी। इनको भी हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। प्याज़ों का सिर्फ कच्चापन हमने दूर करना है। लाइट से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको निकाल लेना है। हाफ प्याज मैंने इसमें से निकाल लिए। अब जो ये प्याज बचे हैं इनका हम अच्छा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। 2 अदद इसमें मैंने टमाटर काट के शामिल किए हैं। इनको भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। 1 पाव मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, इसके अंदर वो शामिल करते हैं। इसको भी साथ ही मसाले के अच्छी तरह से भून लेते हैं। बाकी के भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो इसमें शामिल कर रहे हैं, मैंने हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल किया है छोटे वाला। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो चिकन है वो मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं तकरीबन 1 पाव आलू जो मैंने फिंगर चिप्स की तरह काट लिए हैं, शामिल कर देते हैं। इनको मसाले के साथ हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर रहे हैं। जीरा और धनिया इसको हमने दरदरा सा किया है, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अंदर शिमला मिर्च जो फ्राई की है पहले से वो शामिल कर रही हैं। अंदर जो प्याज फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देते हैं। एक चम्मच इसमें हम ब्लैक पेपर शामिल कर रहे हैं और इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। दम के बाद इसके अंदर हम 1 नींबू शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर दही शामिल कर रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा इससे। अच्छी तरह से इसे मिक्सअप कर लेते हैं। इसमें गरम मसाला 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। सब धनिया से इसको हम गार्निश कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हमारी शिमला मिर्च तैयार है। इसको डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, फाइनली शिमला मिर्च की मैंने सब्ज़ी जो रेडी की है, रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। इसकी फ़ाइनल लुक ये है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।